वहीं महापौर नीरज पाल की स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को निगम भिलाई द्वारा पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत शहर भर में हुए अवैध कब्जों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को एक बार फिर निगम का बुलडोजर अवैध कब्जों पर चला। इस बार नेशनल हाईवे 53 के इर्द गिर्द हुए अवैध कब्जे एवं बेतरतीब से पुराने और कंडम वाहनों को खड़ा कर अवैध कब्जे किए गए थे, उन्हें निगम भिलाई एवं यातायात विभाग के द्वारा मिलकर हटाया गया और नेशनल हाईवे के किनारे की जगहों को कब्जा मुक्त कराया गया। इस बीच कुछ दुकानदारों के विज्ञापन के बोर्ड भी उखाड़े गए, जिसके लिए दोनों ही टीमों को कुछ विवाद का सामना भी करना पड़ा, परंतु इन विज्ञापन के बोर्डों को भी अवैध होने की वजह से और गलत स्थान पर लगाए जाने की वजह से उखाड़ दिया गया और उन्हें जब्त भी कर लिया गया। बुधवार को ही संयुक्त कार्रवाई की तर्ज पर आगे भी इस अभियान को जारी रखने की बातें नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कही है। देखिए, नेहरू नगर चौक से जी रोड का जो पेलर एनएच के बगल में जो पेलर जी रोड है और सर्विस रोड है, इसके बगल में जो वाहने हैं बेतरतीब तरीके से जो खड़े करते हैं और इसके अलावा कंडम वाहने हैं और यहाँ पर जो स्थाई वाहने हैं जो बहुत पुराने जमाने से खड़े हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे वाहनों को हटाने का काम जो है निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर किया जा रहा है और जिला प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा है। अभी जो है ये संयुक्त रूप से जो कार्रवाई हो रही है उसमें चलानी कार्रवाई भी ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जो वाहने सर्विस रोड के किनारे रखी हुई हैं जहाँ पे पार्किंग में जहाँ पे रखना था वहाँ न रख के जो बेतरतीब रखे हैं उसका चलानी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही जो अवैध रूप से ठेले लगा के रखे हुए हैं या अवैध रूप से जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, मेजर जो उद्देश्य है, अभी मानसून का समय है, मानसून के समय में जो है नालियों की सफाई का जो कॉन्सेप्ट है जी रोड के बगल का, सर्विस रोड के बगल का, ये इन सब और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पार्किंग व्यवस्था अभी वर्तमान में जो बनानी है उसके लिए, क्योंकि फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है तभी पार्किंग व्यवस्था भी उसमें सुनिश्चित करनी है। कई दफ़ा इसमें निगम ने समय समय पर अभियान चला करके कार्रवाई की है और आज अभियान की जो शुरुआत हुई है वो जहां तक भी कर पाएंगे जो टीम है वहां तक करेंगे, उसके अलावा भी ये अभियान जो है जारी रहेगा। विगत हफ्ते भर से जो है अवैध अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग को लेकर के जो है निगम प्रशासन सख्त रूप से कार्रवाई कर रही है और जो बारंबार निर्देश देने के बाद भी जो अवैध ठेले हैं, गुमटी है, जो हटा नहीं रहे हैं उनको निश्चय नाबूद करने का भी काम चल रहा है ताकि वो दोबारा न लगा सके। शहर को व्यवस्थित करने के लिए, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण अभियान जो है, अतिक्रमण विदखली का जो अभियान है वो निगम क्षेत्र में टीम वर्क के साथ में हटाया जा रहा है। हाल ही में सुपेला संडे मार्केट में भी कार्रवाई की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जो है निगम प्रशासन और हमारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन का काम है, तो इस पर जो है प्रमुखता से फोकस करते हुए अभी जो अभियान है वो निरंतर जारी है। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देशानुसार स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को पूरा करने निगम आयुक्त द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास कहीं ना कहीं सफल भी होता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।